आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं अपना ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करना, तो कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। आज फुल प्रोसेस बताएंगे और आप आसानी से अपना ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लालू, मेरे चैनल लालू नैना ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि आप ई श्रम कार्ड कैसे मोबाइल से या लैपटॉप से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके एक छोटा सा सब्सक्राइब में मुझे बहुत बड़ा मोटिवेट हौसला मिलता है अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो क्या प्रोसेस है जिससे आप ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर सकते थे। चलिए शुरू करते हैं। ई श्रम कार्ड जैसे टाइप कीजिएगा ना, तो सबसे पहला वाला जो लिंक है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, सबसे पहला वाला लिंक। और उसके बाद एक नया पेज खुल के आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम कार्ड, इसके आगे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे इसके आगे आप क्लिक कीजिएगा, फिर से एक नया पेज खुल के आएगा, तो आप देख सकते हैं ये नया पेज खुल के आया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड के आगे क्लिक करना है और अपडेट प्रोफाइल है इसके आगे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके आगे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जिस नंबर से आप अपना ई श्रम कार्ड बनाए थे, जो मोबाइल नंबर डाले थे, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा जो आधार कार्ड से लिंक हो, और इस कैप्चा को फिलअप करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक किए तो एक ओटीपी आया है, ओटीपी को यहाँ फिलअप किए और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, अब आपसे बोला जा रहा है आपका आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ ओटीपी के आगे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल के कैप्चा को डाल के फिर से सबमिट एक बार फिर से कर देना है। देखिए जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल के आएगा। देखिए यहाँ पे फिर से एक ओटीपी आया है, ओटीपी को फिलअप करना है। जैसे ओटीपी को वैलिडेट करेंगे, देखिए जैसे ओटीपी को वैलिडेट किए तो ऐसा पेज खुल के आया। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ऐसा एक पेज खुल के आया है। यहाँ पे आपको अपडेट ई केवाईसी इंफॉर्मेशन है, इसके आगे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ डाउनलोड यूएन कार्ड है, इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए आपका ई श्रम कार्ड आपका डाउनलोड होके तैयार हो गया है। अब आप इसको चाहते हैं कि डाउनलोड करना, तो यहाँ डाउनलोड यूएन कार्ड है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका डाउनलोड भी हो जाएगा पीडीएफ में। आप इसको कोई भी दुकान में जाके, कहीं भी जाके इसको आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है डाउनलोड करने का। ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका है पीडीएफ फाइल। ये एकदम सिंपल तरीका है कि आप अपना ई श्रम कार्ड को कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये ई श्रम कार्ड डाउनलोड हो चुका है, एकदम सिंपल तरीका है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। नहीं, तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा।